आज का वरदान स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भाव, आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। इस देह रूपी मिट्टी में भ्रुकुटी के मध्य चमकते हुए हीरे को देखें, मैं चेतन हीरा इस जड़ शरीर में जड़ता से ग्रस्त इस कलियुग की दुनिया में स्वयं को बेदाग अमूल्य पवित्र चमकीला बनाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही हो। जन्म जन्मांतर से मैं स्वयं को ये पराई देह समझ रही थी, जो मैं नहीं हूं। उस प्रकृति के प्रभाव में आकर मैं परिस्थितियों के वश हो रही थी, व्यक्तियों वस्तुओं कर्मों के चिंतन ने पर चिंतन ने मुझे मुझसे मेरी आंतरिक शक्ति से परे कर दिया। इस देह को, देहधारियों को, देहिक वस्तुओं को आइए संसार को देखते देखते परदर्शन के चक्र में आते मैं खुद को देखना स्वदर्शन करना तो जिसे भूल ही गई थी। इस देह भान की मिट्टी देहिक संग के दागों ने मुझे मेरे आंतरिक गुणों से शक्तियों से दूर कर दिया था, पर अब मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने आकर मुझे मुझसे मिला दिया है। महसूस करे बेहद के मात पिता शिव बाबा मुझे अपने समान असत्य की दुनिया से परे
झूठी माया झूठी काया के प्रभाव से परे। सत्य स्वरूप में स्थित कर रहे हैं। ये ईश्वरीय संग मुझे कुसंग से बचा रहा है। ये सत्य का संग मेरी आंतरिक सुषुप्त शक्तियों को सद्गुणों को जागृत कर रहा है। अनुभव करते जाए खुद को गहराई से देखते जाए। मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूँ। मैं नश्वर देह नहीं, मैं झूठ नहीं, मैं आचार अमर अविनाशी हूँ। मैं शांत स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप मैं पवित्र स्वरूप मैं ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप हूँ। मैं अनादि स्वरूप में अपने अनादि देश में निराकारी ज्योति बिंदु थी। जब आदि में आई सर्वप्रथम सतयुग में तब भी मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी और भक्ति मार्ग में मेरे ही जड़ चित्रों की पूजा भक्तात्माएं श्रद्धा और भावना से करती रही। मुझे ही खुद शिव बाबा ने आकर संगम युग पर अपना बच्चा बनाया और ब्राह्मण जन्म दिया। स्मृति में लाए अपने श्रेष्ठ पूज्य और ब्राह्मण स्वरूप को और मैं ही इस देह और दुनिया को छोड़ फरिश्ता स्वरूप धारण कर सूक्ष्म वतन और फिर पुनः मूल वतन जाऊंगे। ये स्वदर्शन ये स्वचिंतन मेरी आंतरिक स्थिति को ऊंचा श्रेष्ठ पवित्र बना रहा है। फील करें
इस आंतरिक स्वच्छता को, इस बेदाग स्थिति को, अंदर की चमक को हीरे समान अमूल्य जीवन को